रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है और हम कुवैत में एक मशहूर जगह जो है जिसे कहते हैं खैरान। ये खैरान जो है तकरीबन कुवैत का 40 नंबर रोड जो है उसके साथ पड़ता है, और वो एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे हर कुवैती जो है, ज़्यादातर कुवैती जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं और हर घर के सामने उन्होंने समंदर से जो है ना वो कनेक्शन लिया हुआ है, और उनके घर के सामने से समंदर जो है गुजरती है। तो बहुत प्यारी सी जगह है, और आज जाके देख लेते हैं। ये जो है आप लोग अगर जाते हैं तो 30 नंबर रोड सीधा सीधा जाके फिर वो 40 नंबर रोड में वो कन्वर्ट हो जाता है आगे, और फाहिल से आगे है ये जगह। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, चलते देखते हैं कि कैसी जगह है। बहुत तारीफ़ें सुनी है इस जगह की, तो देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जगह आप लोगों को भी पसंद आ जाएगी, और भी देख लेते हैं फर्स्ट टाइम। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा, देख लीजिएगा, और पूरा व्लॉग जो है वो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा, और अगर मज़ा आए तो फिर आप लोग ज़रूर विज़िट कर लें। ये कोशिश करें कि मतलब आप सुबह से निकलें, क्योंकि रास्ता तकरीबन सलमिया से अगर आप जाते हो तो 100 किलोमीटर रास्ता है, और लेकिन रोड बिल्कुल साफ़ है, प्लान रोड है, सिंगल डबल रोड है, आप जाओ तो ट्रैफिक का कोई इशू नहीं होता इसमें। तो इंशाल्लाह जैसे हम लोग पहुँचेंगे तो आप लोगों को वहाँ से फिर हम आगे बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और आगे इंशाल्लाह जब पहुँचेंगे तो आगे की सूरत हाल आप लोगों को वहाँ पर बताएँगे। चले चलते हैं और उधर फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अरब का बॉर्डर है, और सऊदी अरब के बॉर्डर के पास ही ये अच्छी जगह बनी हुई है, खूबसूरत सी जगह है। तो इंशाल्लाह अभी आगे भी आप लोगों को लेकर जा रहे हैं। अब जब हम पहुंचेंगे तो ये यहाँ पे कोई अच्छी सी बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप या पता नहीं क्या कोई बन रहा है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह जैसे हम पहुँचेंगे उधर तो आप लोगों को वहाँ की जगह भी बता देंगे कि और क्या क्या है यहाँ पे। देखिए सामने जो है ना मार्केट्स भी है, मैकडोनल्ड्स है और ब्रांडेड शॉप्स है यहाँ पे, तो अच्छी है काफ़ी, मतलब
मतलब डेवलपमेंट हुई है और भी डेवलपमेंट हो रही है, और ये समझ लें कि ये बिल्कुल क्वेत का एंड है, क्योंकि इससे आगे जो है फिर वो स्टार्ट हो रहा है, सऊदी अरब स्टार्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल क्वेत का एंड ही आप समझ लें। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह बीच साइड पे, बीच आपको बता रहे दिखा रहे थे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या क्या जगह है और कैसी कैसी जगह है। ये आप लोगों को अगर नज़र आ रहे हैं साइड पे तो अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, और बाहर का मौसम आज अदर बेहतर है, अच्छी है, तो इंशाल्लाह बस पहुंचने लगे हैं, थोड़ी देर में पहुंच के फिर आपको दिखा देते हैं कैसी जगह बनी हुई है। ये हम बस पहुंचने लगे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, बोट्स लेकर आए हैं यहाँ पे अपने सारे। तो ये जगह अब हम पहुंच गए हैं खेरान में, और इससे आगे हम जाएंगे जो समंदर किनारा है उधर जा रहे हैं, और देखते हैं इंजॉय करते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, और अभी समंदर की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी कहीं पार्क करके समंदर की तरफ जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो आखिरकार हम लोग पहुंच आए खेरान में। ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहे समंदर है, कश्तियां हैं बहुत सारी, और वो रिजॉर्ट है, थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूँ, ये रिजॉर्ट एरिया है पूरा। ठीक है, एंट्री पर हेड एडल्ट जो है 5 KD की एंट्री होती है, 5 साल से कम बच्चे अगर हो तो उनकी कोई एंट्री फीस नहीं होती। और यहाँ पे आके आप इंजॉय कर सकते हैं, ये आप लोग सामने अगर देखें तो ये हर ये घर बने हुए हैं कुवैतियों के, यहाँ के नेशनलिटीज जो है उनके घर बने हुए हैं, और उनके घर के सामने सामने जो है वो समंदर जो है आया हुआ, ये मतलब इन्होंने समंदर कैंचा है अपनी घर की साइड पे, इन्होंने समंदर कैंचा हुआ है अपनी मतलब घर के साइड पे। ये देखे बहुत बेहतरीन व्यू है, और ये आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है यहाँ पे खेरान साइड पे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे आप लोगों को मैं पानी भी दिखा देता हूँ, तो विज़िट ज़रूर करें जो लोग कुवैत में हैं, तो विज़िट ज़रूर करें। इस साइड पे हमारा सऊदी अरब है। ठीक है, और ये देखें ये जितने भी आप लोगों को घर नज़र आ रहे हैं तो ये घर के सामने से ये गुजर रहे हैं, ये बीच टाइप इन्होंने हर जो है ना उससे बनाए। तो ये हम वहाँ से आ गए यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे गर्मी थी और थोड़ी सी जो है ना मौसम ठीक नहीं था, तो हम यहाँ पे आ गए, अभी हम इंटर होने जा रहे हैं। خلاص هذا تذكرتين هذا خلاص هذا مدنيه هذا مدنيه هذا يعطى 10 دينار هذا اعطي 10 دينار هذا يعطى 10 دينار اوكي ماشي 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 حبيبي حبيبي تمام تمام السلام عليكم। तो यहाँ पे जैसे आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पे हम लोगों को एंट्री पास मिल जाते हैं, ये देखे ये एंट्री पास है, ठीक है ये मिल गए, और वो कह रहे हैं कि वापसी पे आपको जो है पैसे हम ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे आते हुए आपकी सिविल आईडी आपके पास होनी चाहिए, सिविल आईडी जैसे होती है। तो अभी हम जाने लगे हैं अंदर, जाने लगे हैं अंदर, तो देख लेते हैं अंदर पूरी जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं, और आप लोग भी देखते जाएं। बस हम लोग आए हुए हैं दोस्तों के साथ, और अभी देख लेते हैं, काफ़ी सारी जगह हैं, ख़ूबसूरत जगह हैं, अंदर जो है एंट्रेंस भी बहुत प्यारा है, और
चले देखते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरफ घूमना है किस तरफ फिरना है। लेकिन अभी हम यहाँ पे नज़दीक में ये पार्किंग है, पार्किंग वाली साइड पे हम लोग आ गए हैं। अभी गाड़ी को कहीं पार्क करके अब जाएंगे सी साइड पे। ये बहुत रिजॉर्ट, ये यहाँ का जो रिजॉर्ट है ये बहुत बड़ा है, तो इसके जो मैप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये मैप है, इस मैप में आप देखेंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, तो भाई साहब कह रहे हैं कि गाड़ी आप पीछे लगाएं और आगे वाले, तो उसको बोला हुआ है कि गाड़ी पीछे लगाएं। तो अभी हम गाड़ी जो है यहाँ पे पार्किंग में लगाने जा रहे हैं, गाड़ी को हम पार्क में लगा देते हैं और यहाँ पे आगे मुझे कोई पार्किंग मिल जाए तो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा देता हूँ। और अभी अच्छा यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई, यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं। ये हमारी गाड़ी हो गई पार्क, ठीक है, और अभी बस हम निकलने लगे हैं। ठीक है, ये जैसे इंटर हो जाते हैं यहाँ पे, ये देखें ग्रीनरी देखें, और बहुत प्यारी जगह बनी हुई है, ग्रीनरी है यहाँ पे। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने बोर्ड वोर्ड लगाए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस है। ये देखें सारे उसके दरख्त है, खजूर के दरख्त है, और ये बर्ड के ट्रैपिंग और हंटिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्ड कैचिंग जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो आगे जाके देख लेते हैं, बहुत प्यारी जगह बनी हुई है, और आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या जगह है यहाँ पे। ये हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी यहाँ पे हम लोगों ने पार्क की है। अगर आपकी बुकिंग है तो आप अंदर गाड़ी लेके जा सकते हैं, अगर बुकिंग नहीं है तो आपको ख़ुद फिर पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि विजिटर्स जो होते हैं उनको अलाउ नहीं होती कि वो गाड़ी अंदर लेके जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को प्री बुकिंग करनी होती है, और बुकिंग के साथ साथ ही फिर आपको मतलब वो टिकट वगैरह जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आप गाड़ी को अंदर लेके जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको फिर पैदल जाना पड़ता है। ठीक है, ये देखें ये खेरान रिजॉर्ट है, इसका बोर्ड लगा हुआ है, और बहुत प्यारी सी जगह बनी हुई है, और ये देखें बहुत बेहतरीन जगह बनी हुई है। बिल्कुल ये कुवैत सिटी से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे ये जगह है खेरान, और बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी जगह बनी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आ जाएं, आप लोग देखें विज़िट करें। ये देखें विलास वगैरह ये सारे बने हुए हैं। अभी हमने कहीं ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये देखें ये रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं यहाँ के, लेकिन ये काफ़ी महंगे हैं। तो बेहतर है कि अगर आप लोग आएंगे तो खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेके आइएगा। और ये मेरे ख्याल में ईद का दूसरा दिन है तो ये फंक्शनल नहीं है, आई थिंक बंद है फ़िलहाल। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए वो बैठने की और बच्चों की जो है ना वो बनी हुई है, फीसा वगैरह वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन मज़े की बात आज जो है वो मौसम बहुत प्यारा है, आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, और यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो गाड़ी के बगैर, क्योंकि मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं है। और हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, जिसका हमें पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन बस जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैप तो हम लोगों ने लिया था, लेकिन मैप से भी कुछ समझ नहीं आ रहा,
बस जाके घूम फिर रहे हैं। ठीक है, ये अब हम अंदर आ गए और एट लास्ट समंदर हमें नज़र आ गया। ये हमें आ रहा है समंदर नज़र। ये जो है विलाज वगैरह है और ये देखे तो प्यारी जगह बनी हुई है। आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो ये देखे यहाँ पे ये विलाज है सारे और ये बच्चों के बैठने और बच्चों के खेल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। माशाल्लाह बहुत जगह बहुत प्यारी बनी है। ये बीच है और यहाँ पे देखे नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे बोटिंग हो रही है। ये देखे यहाँ पे बोटिंग हो रही है और कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये जगह दिखाऊँ। ये बहुत बेहतरीन व्यू है आप लोग देखें। लगे हैं हम जाएंगे समझ।
समंदर में, और आगे फिर देखते हैं कि आगे समंदर का क्या है। और अभी थोड़ी देर में हम कोशिश भी करते हैं कि हमें फिशिंग के टूल्स मिलते हैं तो हम फिशिंग भी करेंगे। ये बस हम अभी वापस निकलने लगे हैं, यहाँ पे फुल एंजॉय कर लिया तो अभी वापस निकलने लगे हैं। ठीक है, तो बड़ा एंजॉय कर लिया, बड़ा मज़ा आया, और आखिर में जो है चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।